आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मुनव्वर के रातों की नींदें उड़ गई हैं, और इस बात को उन्होंने खुद शेयर किया है, किस चीज को लेकर वो परेशान है, क्या है पूरी बात, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडिया पे आपको बताऊंगी। तो उन्होंने एक पोस्ट जो है लगभग सुबह 7 बजे के आसपास शेयर किया, वो लिखते हैं, आज की रात बहुत भारी थी, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हो वो फीलिंग पता है, अंदर खुद से जंग चल रही हो, खुद से नाराज, खुद से राजी, हजारों के सामने हंसना हंसाना और अकेले में मुस्कुराना मुश्किल। रात बहुत भारी थी लेकिन कलम उससे ज़्यादा भारी, लिख दिया ख्वाब, उठ जाओ सब फिर बताता हूँ, 7:09 पे। तो हो सकता है कि ये उनके आने वाले गाने की लाइनें हों, लिख दिया ख्वाब, ख्वाब जो है उन्होंने कैपिटल में लिखकर उसको इन्वर्टेड कॉमास में किया है। तो हो सकता है कि उनका एक नया प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में वो फैंस को जानकारी देना चाहते हों, हो सकता है कि ये उन्हीं की उस गाने की लाइनें हों कुछ। लेकिन उन्होंने इसके अलावा जो एक और पोस्ट शेयर किया है उससे ये बात समझ में आती है कि कामिल नाम का एक गाना जो है 20 को आ रहा है, हो सकता है कि उनका ये ख्वाब नाम का भी प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी आने वाला हो और इसी बात की जानकारी वो अपने फैंस को देना चाहते हो। तो एक बात तो साफ है कि लॉकअप का विनर बनने के बाद मुनव्वर के पास काम की कमी नहीं, लगातार उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ तक कि बिग बॉस 16 के लिए उन्हें अप्रोच किया गया है, ये बात भी सामने आई थी। और जहाँ तक बात है खतरों के खिलाड़ी की, तो वो बहुत जल्द जो है शो का हिस्सा बनेंगे, वाइल्ड कार्ड बन के जा रहे हैं, ये आप सभी जानते ही हैं। तो आप लोगों को उनके इस ख्वाब प्रोजेक्ट के बारे में जो उन्होंने लिखा है, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, कमेंट जरूर कीजिएगा।